दुख की घड़ी की बात है, क्योंकि आज मेरा यार, मेरा दोस्त, मेरा भाई, पूरे भील प्रदेश का शेर समाज के लिए काम करते हुए आज बलिदान हो गए। लेकिन फिर भी मैं भगवान से यह विनती करना चाहता था कि उनका जो सपना था वो सपना भाई जगदीश भाई पांडोर साहब पूरा करके जाते हमारे साथ में तो बहुत ही बहुत अच्छा लगता हमको। वो जगदीश भाई पांडोर हमारे बीच में आज नहीं रहे, वो उनकी बलिदानी ऐसे नहीं हुई है। उन्होंने एक सपना देखा था भील प्रदेश का, और भील प्रदेश बनाने के लिए, इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आज इंटरनेशनल यात्रा पर गए हुए थे। पता नहीं प्रकृति ने हमारे भाई को किस कारणवश प्रकृति ने अपने साथ में विलीन कर दिया। मैं तो प्रकृति और कुदरत से भी यह कहना चाहूंगा कि मेरे दादा को पुनः इस भील प्रदेश पर, इस पूरे भारत के सारे आदिवासियों के बीच में पुनः आज ही के दिन नए युग के अवतार में पुनः उसको जन्म अवतार मिले, यही मैं भगवान से अर्पित करूंगा। आज हमारे इस क्षेत्र का सबसे, उदयपुर बेल्ट का सबसे तेज तर्राट और होनहार शेर था, जो हर आदिवासी की लड़ाई लड़ने के लिए सबसे आगे रहता था। हमें, मैं उनसे काफी छोटा हूं, लेकिन मैं उनको गुरु मानता हूं, क्योंकि जब कभी भी हम एक साथ में जाते थे, बहुत सारी लंबी यात्रा करते थे, लेकिन उनकी सहन शक्ति में वास्तव में मानता हूं कि बहुत जबरदस्त है उनके अंदर सहन शक्ति। हम चार चार दिन, पांच पांच दिन यात्रा करते थे तो भाई को कहते थे कि भाई थोड़ा बहुत कहीं नाश्ता कर ले क्या, थोड़ा बहुत कहीं खाना खा ले क्या, तो भाई हमको कहता था कि आदिवासियों के अंदर आशीर्वाद, आदिवासियों के अंदर इतना खून, जोशीला खून है कि हम भूख से नहीं मरेंगे, हम समाज के लिए पहले काम करेंगे और रोटी बाद में खाएंगे। फिर भी मैं भाई को कहता था कि भाई समाज के लिए तो लड़ रहे हैं, लेकिन साथ साथ में शरीर की ऊर्जा के लिए हमें अन्न की भी जरूरत पड़ती है, तो हमें, हम उनको मनवाते थे, फिर कभी दो तीन दिन में, कभी एक दिन खाना खाना, कभी चाय पी के ही दिन निकालना, पानी पी के ही दिन निकालना, कहीं पर भी जाना होता तो रात को कभी 3 बजे आना, कभी 4 बजे आना। हमारे घर वाले ये नहीं जानते थे कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं हमारे, मेरी पत्नी, उनकी धर्म पत्नी, उनके पापा, उनकी मम्मी, मेरी मम्मी को ये पता नहीं होता था कि आज हमारे बच्चे कहाँ ठहरे हुए। हम सामने से फोन करते थे कि पापा मम्मी हम आज उस क्षेत्र में हैं, तब जाके उनको लगता था कि वास्तव में हमारे जो आदिवासी जगदीश भाई पांडोर जो शेर थे, हमारा जो कारवा लेकर चलते थे, उससे हमें कभी डर नहीं लगता था। क्यों? कि इतना हमारे अंदर उलगुलान भर दिया था उन्होंने कि पूछो मत, हमारे अंदर डर नाम की कोई चीज नहीं थी। आज जितने भी हमारे बाहर से आए हुए हर राज्य के आदिवासी भाइयों से मैं कहना चाहूंगा, एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी और हमारी बहनों को कहना चाहूंगा कि जगदीश भाई ने एक सपना देखा था, उस सपने को हम सबको मिलकर इस कार्य को आगे बढ़ाना है। आप ये नहीं समझे
कि आज जगदीश भाई प्रकृति में विलीन हो गए तो इस क्षेत्र का कोई शेर नहीं है। वह जगदीश भाई ने इस क्षेत्र में हजारों शेरों को प्रशिक्षण दे के गए हैं और उनका जो सपना था वो सपना हम अभी ये चाहेंगे कि 2023 में ही उनका सपना पूरा होना चाहिए। उनका मानना था कि 2023 से पहले पहले हमारा भील प्रदेश का कारवा पूर्ण होना हो जाना चाहिए, लेकिन आज हमारे बीच में नहीं रहे तो हमारे जितने भी बाहर से माता तुल्य पिता तुल्य छोटे भाई बहन जितने भी आए वो दुखी नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने इस क्षेत्र उदयपुर क्षेत्र में हर एक व्यक्ति के अंदर इतना हुनर और इतनी तेज गति से हमें प्रशिक्षण दिया है और हम पीछे हटने वाले नहीं है। सबसे पहले मैं एक बार कहना चाहूंगा जगदीश भाई के लिए, आप बोलोगे जगदीश भाई, मैं कहूंगा जगदीश भाई, आपको कहना है जगदीश भाई अमर रहे अमर रहे, जगदीश भाई जगदीश भाई जय जोहर का नारा है, जय जोहर का नारा है। कहना चाहूंगा लास्ट के जगदीश भाई के पिता और उनके परिवार वालों को आज इस दुख घड़ी में भगवान उनको थोड़ी शांति प्रदान करावे, क्योंकि मैं आज ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरा आज एक लंगोटी यार था जो मुझे छोड़ के चला गया और यही अपनी वीणा वाणी को विराम करता हूं। जय जोहार, जय प्रकृति, जय कुदरत, जय जगदीश भाई पांडोर की, जगदीश भाई पांडोर हमेशा हमारे आदिवासियों के बीच में अमर रहेंगे। जय जोहार।